आइए आज बनाते हैं व्रत में खाने वाला आलू का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हलवा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये चार बॉईल किए हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है। यहीं पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें चार पांच बादाम, चार पांच पिस्ता और एक अखरोट। देखिए यहाँ पर हम इन आलूओं को हाथों से ही फोड़ लेंगे। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा दानेदार हलवा बनाना है। हम हाथों से ही इनको अच्छे से बारीक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलवा, एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। देखिए यहाँ पर मैंने इन सभी आलुओं को अच्छे से हाथों से ही फोड़ लिया है। हमें यहाँ इन आलुओं को घिसने की ज़रूरत नहीं है, बिना घिसे ही हम हाथों से ही फोड़ कर आज ये हलवा बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। देखिए यहाँ पर मैं लूँगी एक लोहे की कढ़ाई, आप कोई सी भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाइए, नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच घी, इसको घी में ही बनाए, घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखिए हमारा घी यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है, अब यहीं पर हम इन आलूओं को डाल देंगे। अब इन आलूओं को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। बस यही इसका एक प्रोसेस है कि हमें इन आलूओं को कम से कम 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि ये आलू हमारे अच्छे से भुन जाएं। देखिए इसी प्रकार इसको अच्छे से चला चला के हमें भूनना है। देखिए ये हमारा अच्छे से भुनने लगा है, साइड से घी छोड़ने लगा है। बस हमें इसी प्रकार से इसको अच्छे से भूनना है। और देखिए यहाँ पर ये मेरा कढ़ाई में लग भी नहीं रहा है। बस इसे इसी प्रकार हमें अच्छे से भूनना है। इस कढ़ाई में ना तो ये जलेगा और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। इसी प्रकार इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनते रहें। देखिए यहाँ पर ये हमारा अच्छे से आलू भुनने लगे हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसी तरह से हमें इनको अच्छे से भूनना है जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। मैं यहाँ इसको मीडियम फ्लेम पर ही बना रही हूँ। साइड से ये हमारे आलू घी छोड़ने लगे हैं। देखिए हाथों से ये हमारे आलू कितने अच्छे से मैश हो गए हैं, इन्हें घिसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए हमारे आलू अच्छे से भुन गए हैं, बस हमें यहीं तक पकाना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कटोरी चीनी, आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, आपको कितना मीठा रखना है उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पर चीनी को मिक्स करते करते थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, हमें इसे पानी न जल जाए तब तक पकाना है, इसका पानी हमें जलाना है। बस इसी तरह चलाते चलाते हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार ज़रूर बना कर देखें।
बस हमें इसी प्रकार इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है अच्छे से, जिससे कि चीनी का पानी भी जल जाए और ये हमारा हलवा परफेक्ट बन जाए। बस इसे ऐसे ही हमें पकाना है। कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें व्रत में नमक नहीं खाना है, तो आप इस हलवे को बना सकते हैं और दही के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब यहीं पर हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उनको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे। आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। बस हमें इसे कुछ मिनट के लिए ही यहाँ पर ऐसे पकाना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितना टेस्टी बनकर हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही मज़ेदार बना है ये हलवा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।